हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 999। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मानसून स्पेशल पनीर पकोड़ा रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे मूंग दाल पकोड़ा, और वो भी पनीर से, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी। जितने ही अंदर से सॉफ्ट है उतने ही बाहर से क्रिस्पी हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने मूंग दाल, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी एक से दो बार, और इसका सारा पानी निकाल के और इसे सोख होने के लिए रख दूँगी 5 से 6 घंटे के लिए। और 5 से 6 घंटे बाद देखिएगा आप, दाल बिल्कुल थी ना जो अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अब हमें करना क्या है ना, इसका हम छिलका हटा देंगे, और ये देखिए इस तरीके से हम रगड़ रगड़ के इसका छिलका हटा देंगे। आप चाहो तो धुली हुई मूंग दाल भी ले सकते हैं, बट ना जो मूंग दाल में क्रंचीनेस और क्रिस्पीपन आता है ना, वो छिलके वाली मूंग दाल से ज़्यादा आता है। तो इसलिए ना मैं छिलके वाली ही दाल इधर यूज़ कर रही हूँ। और दाल के छिलके मैंने पूरी तरीके से नहीं हटाए हैं, थोड़े मैंने हटा दिए हैं, और अच्छी से तरीके से मैंने दाल को धो लिया है। और इधर मैं ले रही हूँ कुछ पालक और धनिया पत्ता, हरी मिर्च, इनको मैंने अच्छे से रफली चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। इधर मैं ले रही हूँ ये हरा प्याज, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और ये बारीक कटा हुआ लहसुन। और अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है लहसुन का तो आप ले सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो दाल को मैंने इधर देखिए बिना पानी ऐड किए हुए मैंने इस तरीके से दरदरा मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना, इस तरीके से दरदरा ही रखना है। तो इधर जो सब्जी हमने काट के रखी थी उसको भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। तो इधर मैं ले रही हूँ कोरिएंडर सीड्स और बारीक कटा हुआ लहसुन, ये सारी सब्जी हमने काट के अपनी तैयार कर ली है। तब एक एक करके हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। पहले तो हम इसमें कोरिएंडर सीड जिसे हमने दरदरा कूट लिया है उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी अजवाइन, अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये कटा हुआ पालक और कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च, ये स्पाइसी हरी मिर्च है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा जितना आप रखना चाहते हो। और इधर देखिए मैं धनिया पत्ता भी इसी के अंदर ऐड कर देती हूँ, और साथ में ही जो हमने इधर हरा प्याज काट के रखा था उसको भी हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा 2 पिंच हींग, ये जीरा है, साबुत जीरा ले रही हूँ 1 टीस्पून लगभग, और रेड चिल्ली पाउडर, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। ये 2 पिंच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दिया, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, आप भी टेस्ट अकॉर्डिंग ही रखिएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखिए इसे हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। इधर गैस पे रख दी है हमने कढ़ाई, कढ़ाई में जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम इधर अपने नाम ये रोल तैयार कर लेते हैं। तो इधर देखिए मैंने पनीर लिया है, इसके मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। अब पनीर को हम इस तरीके से इस दाल के अंदर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और इस तरीके से हमें राउंड इस तरीके से कर देना है। जिस तरीके आप शेप देना चाहते हैं उस तरीके से दे सकते हैं, जितना बड़ा रखना चाहते हैं। तो इधर मैंने पहले दाल डाल के चेक कर लिया था, तो दाल हमारी मतलब कि ऑयल था ना वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे पकौड़ों को तैयार कर लेंगे राउंडली शेप देते हुए। तो ये देखिए इधर हमने सारे अपने पकौड़े थे बना बना के कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिए हैं, और गैस के फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है, 2 to medium, और इसे आराम से हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तब तक हमें मतलब कि जब ये डालते हैं कढ़ाई के अंदर तो हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अगर आपने टच किया तो ये पकौड़े थे जो फट जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तब इसके बाद आप इसे टच करना। और देखिए 5 से 6 मिनट के बाद इसे लो 2 medium फ्लेम पर हमने इसे फ्राई होने दिया है, और आप बिल्कुल कलर दे सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया है। तो इसी तरीके के हमें पकोड़े अपने सेक लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में आप इन्हें अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा, और आप चाहो तो चटनी के साथ, सॉस के साथ, या फिर चाय के साथ, किसी के साथ इसे सर्व कीजिएगा, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ,
तो ये देख सकते हैं इसके अंदर की जो दाल थी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बेहतरीन पकौड़ा हमारे बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही और ये बहुत ही स्पाइसी क्रंची हैं, टेस्टी हैं। आप चाहो तो इसे मीठी सॉस के साथ खाइए या फिर हरी चटनी के साथ खाइए, जिस तरीके से आप एंजॉय करना चाहते हैं उस तरीके से एंजॉय कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो ये चटनी की रेसिपी है हमारे चैनल पे है, आप चेक करके इसे बना सकते हैं अपने घर पर। आपको खट्टी मीठी दोनों चटनी की रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, इसका मैंने लिंक दे दिया है ऊपर, आप चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे मानसून स्पेशल पकौड़े बनकर तैयार हैं। और ये रहा पनीर का पकौड़ा, देखिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। जब भी आप अपने घर पे बनाएंगे तो ये मतलब कि बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्टी भी बनता है, आप अपने घर पे जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं और साथ में ही मैंने इसमें मिर्च फ्राई कर ली थी। अगर आप जिस तरीके से सर्व करना चाहते हैं बस उसी तरीके से आप इसे सर्व करिए, एंजॉय करिए। तो देखिए मानसून स्पेशल पकौड़े बनकर तैयार है इधर। और फ्रेंड्स आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।